नमस्कार। पिछले कल आरएसएस के मुखिया श्री मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया जो चौंकाने वाला है, चिंताजनक है, देश की जनता को विचलित करता है। आरएसएस प्रमुख का ये कहना कि आरएसएस संगठन फौजी रूप से तैयार है देश के लिए लड़ाई लड़ने को, और जो काम भारत की सेना ऐसी परिस्थिति पैदा होने पर जब देश को और संविधान की रक्षा की ज़रूरत हो, जो भारत की सेना 6-7 महीने में तैयारी कर सकती है युद्ध की, संघर्ष की, वो केवल 3 दिन में आरएसएस कर सकती है। ये तिरंगे का अपमान है सबसे पहले, दूसरा भारत की सेना का अपमान है, सेना के मनोबल को चोट पहुंचाता है। दुनिया की एक बड़ी सेनाओं में से भारत की सेना है जिसने ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं भारत की आज़ादी के बाद, जिसमें पाकिस्तान की सेना का आत्मसमर्पण और बांग्लादेश की आज़ादी शामिल है। इसी भारत की सेना ने आज की तक भी हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा है और निरंतर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। मैं सबसे पहले आज हमारे जो जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि हम देते हैं। पिछले कल भी जो संजवान में हुआ, आज भी हमला जारी है सीआरपीएफ कैंप पर श्रीनगर में। हमारे पास सूची है उन लोगों की जो शहीद हुए हैं देश के लिए, और पूरा राष्ट्र भारत की सेना और जो हमारे अर्ध सैनिक दल हैं उनके साथ खड़ा है और उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानियों को हम बड़े सम्मान से याद रखते हैं और सलाम करते हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब सेना की छावनियों पर हमला हो रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमला हो रहा है, आरएसएस चीफ का ये बयान आपत्तिजनक है, चिंताजनक है। जैसा मैंने कहा, आरएसएस ने गांधी जी की हत्या के बाद जो घटनाक्रम हुआ, पाबंदी हटाने के लिए एक अंडरटेकिंग दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भारत सरकार को, और वो आज तक बदली नहीं गई कि वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। ये सर्वविदित है कि आरएसएस एक मात्र संगठन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। बीजेपी उसका राजनीतिक चेहरा है, पर सही माने में निर्णय, विचारधारा और सोच आरएसएस की है। भारत एक संवैधानिक प्रजातंत्र है और संविधान के मुताबिक ही ये देश चलता है, इस देश के निर्णय होते हैं। संविधान में कोई जगह भारत की सेना के अलावा और अर्धसैनिक बलों के अलावा किसी संगठन के पास नहीं है, कोई स्थान उनका नहीं है। जहाँ तक देश की सुरक्षा नीति और देश की रक्षा करना बाहरी हमले से या आतंकवाद से, जिन देशों में कहीं ऐसी परिस्थिति आई है वो देश तबाह हुए हैं, जहाँ मिलिशियाज बन गए हैं, अफ्रीका के कुछ देशों में, अफगानिस्तान के अंदर, सीरिया के अंदर,
ये हाल में हमने देखा, और इराक में, चाहे वो आईएसआईएस है, चाहे तालिबान है या दूसरे संगठन, सोमालिया जैसे देश में है, दुनिया के किसी जिम्मेवार प्रजातंत्र में एक प्राइवेट मिलिशियाज की फौज बने और वो देश के लिए लड़े, वो स्वीकार्य नहीं। इस वी फर्स्ट पेड अ होमेज टू द सोल्जर्स बोथ ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस हु हैव बीन मार्टर्ड इन फाइटिंग अ टेररिस्ट अटैक yesterday and today. We stand in solidarity with our army, our jawans, and salute them for defending the country and making the supreme sacrifices. We also offer our condolences to the bereaved families of our jawans and officers, other ranks. It is sad, disturbing, and shocking that while the Indian Army was grappling with a serious terror attack, the RSS chief made a statement which is deeply disturbing. It disrespects the constitutional framework. Is insult to the tricolor, because the Indian armed forces fight carrying the national flag, the tricolor. They are the ones who have the mandate and a defined responsibility to defend our motherland, to defend our frontiers. The chief, RSS chief statement is a direct insult to the Indian Armed Forces by claiming that in the eventuality of a battle to be fought, RSS can mobilize and in 3 days what the Indian Army will take 6 to 7 months. Nothing could be more insulting. We as a democracy cannot allow any organization or institution to be given any space when it comes to national defense. RSS has throughout claimed to be a social and cultural organization. And that was the undertaking given by the Sangh to the then Home Minister of India, who was also Deputy Prime Minister, Sardar Vallabhbhai Patel, for the lifting of the ban after the assassination of the father of the nation, Mahatma Gandhi. That position remains unchanged, though the fact is that it is the RSS which is the parent organization, the mother organization, and the controlling ideology of the ruling Bharatiya Janata Party, which is a political front of the RSS. From the structures, from the deputation of senior RSS people in organization, BJP, and in the government, it is very clear what its role is. But those nations which have allowed private militias, outfits, military outfits, independent of the armed forces of the country, to fight for the country, have come to grief and paid a heavy price. Of over 190 countries in the world today,
There are very few countries which have suffered this fate. And in our own extended neighborhood, we have seen that. Be it Afghanistan, Iraq, or Syria, or some countries in Africa, in particular, Somalia and Congo. We cannot allow such a development in India. इस पे प्रधानमंत्री को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कि उनकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है. क्या वो भारत की सेना से अलग हटके राष्ट्रीय सुरक्षा का काम आरएसएस को करने की देने की सोच रहा है. आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी को भारत की फौज से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने सेना की क्षमता पर, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया. ऐसे बयान, ऐसी सोच हमारी सेना के मनोबल को कमज़ोर करती है, वो भी उस समय जो बड़ी चुनौती और हमलों का सामना कर रहे हैं और संघर्षरत हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस पूरे देश में इस पर आपत्ति कर रही है, विरोध कर रही है. हमारी यह अपेक्षा है कि इस गलती का सुधार हो, क्योंकि ये राष्ट्र हित में नहीं है. इसको हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं और पूरे देश इससे विचलित है. माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के बाहर हैं अपने दौरों में. जो पहले दौरे से उन्होंने एक परंपरा बनाई, जो गलत परंपरा कि अपने से पहले की सरकारों को बदनाम करना और भारत की उपलब्धियों को नकारना, वो उसी मानसिकता को लेकर अभी हाल के दौरे में बाहर गए. प्रधानमंत्री जी अपनी ही कल्पना के अतीत में रहते हैं, जो वास्तविकता से बिल्कुल अलग है. उनको हमारी सलाह है कि उस अतीत का विवरण देके झूठे आरोप लगाकर, सपने दिखाकर और झूठे वायदे करके आपने सत्ता तो प्राप्त कर ली, पर सत्ता चलाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है. भविष्य बनाने के लिए अपने बनाए हुए अतीत में निवास करना प्रधानमंत्री के लिए सुखद है, पर देश के लिए दुख की बात है. उनको भविष्य की रूपरेखा देनी चाहिए. उन्होंने क्या किया, जो वायदे थे रोजगार के, किसान की आमदनी के, MSP के, कॉस्ट प्राइस प्लस 50% देने के, ये बुनियादी बातें हैं जो प्रधानमंत्री को देश में बतानी चाहिए. देश में जो उन्होंने किया संसद में, उनको आपत्ति थी, विपक्ष ने उनकी आलोचना की. हमने उनको संसद में भी कहा कि प्रजातंत्र के अंदर जहां वाद विवाद रहता है, आलोचना अनिवार्य है. उसके बिना संसदीय प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता. पर प्रधानमंत्री ने अपनी आलोचना को संसद के अंदर देश के अपमान कहा. हालांकि प्रधानमंत्रियों की आलोचना होती है, देश बड़ा होता है. प्रधानमंत्री का राजनैतिक विरोध भारत का विरोध नहीं. इससे एक सोच प्रतिबिंबित होती है, झलकती है, जो प्रजातांत्रिक नहीं है, अतिनायकवादी है. तानाशाहों की ऐसी सोच हो सकती है,
प्रजातंत्र में इस सोच की मानसिकता की जगह नहीं है। हम प्रधानमंत्री के लगाए गए आरोपों को जहां नकारते हैं, एक बात की चेतावनी देना चाहते हैं कि देश की जनता को फिर गुमराह कर रहे हैं और भारत की जनता के विवेक को, उनकी बुद्धिमता को चुनौती दे रहे हैं कि अपना हिसाब ना दें अपने कार्यकाल का और पिछली बातों को रह कह के वही आरोप जो खुद के बनाए हुए हैं, जो लगभग 4 साल के कार्यकाल में कहीं नहीं पहुंचे, उसके लिए क्षमा मांगने की जगह और आरोप की कथा लिखने वाले लोगों को इनाम देने के बाद समय आ गया प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के हिसाब देने का। पर उन्होंने ऐसा किया, हम उनकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। उन्होंने ये कहा भारतीय समुदाय के लोगों को कि देश की कोई उपलब्धि नहीं। हमने पहले भी कहा है, मैं दोहराता हूं, प्रधानमंत्री की ये मानसिकता अस्वस्थ है, क्योंकि देश की बड़ी उपलब्धियां रही हैं, उन्होंने इतिहास का भी अपमान किया है। भारत की जनता जिन्होंने ये उपलब्धियां प्राप्त की, चाहे वो हमारे वैज्ञानिक हैं, चाहे वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे उनसे पहले के प्रधानमंत्री रहे, उनका अपमान करने का इनको कोई अधिकार नहीं। इनके आने से पहले भारत विश्व की एक बड़ी शक्ति के रूप में सम्मान प्राप्त कर चुका था, चाहे एक परमाणु शक्ति के रूप में, एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में, भारत बड़ी संस्थाएं बना चुका था, भारत बड़े सैटेलाइट्स छोड़ चुका था, उपग्रह छोड़ चुका था, और अन्य क्षेत्रों के अंदर इस देश की सही माने में ऐसी उपलब्धियां हैं जिसको विश्व ने स्वीकार किया, चाहे वो आईटी का क्षेत्र है जहां भारत के पास नेतृत्व है दुनिया का आईटी एनेबल्ड सर्विसेज का। ये भी सर्वविदित है कि इनके आने से पहले चंद्रयान जा चुका था और मंगलयान रवाना हो चुका था। प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को गिरा रहे हैं ऐसी बात कह के कि उनके आने के बाद ही सही सोच और देश का कोई काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी, आपने क्या किया ये हिसाब आप दे दें, और जो ये इनके लिए बड़ा आयोजन होता है, हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार का पहले खर्चा हो चुका, चाहे जो वेम्बली स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने बड़ा काम किया था, बड़ी जश्न का आयोजन किया था, केवल सभा का नहीं, वहाँ तो आपको मालूम है लंदन में बसें चली थी, कोई 10,000 आर्टिस्ट ने रंगारंग कार्यक्रम दिया था, नाच गाना हुआ था, भोजन का प्रबंध था, हजारों गाड़ियां भारत सरकार की तरफ से लगी थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दोबारा संसद के पास आना पड़ा था और पैसा मांगने के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में। वही दूसरे देशों में हुआ। अब जो ओमान में हुआ उसमें भी पूरे सरकार की शक्ति का प्रयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ। हमारे पास एक पत्र है 17 जनवरी 2018 का, जो भारत की राजदूत मस्कट में है, उन्होंने वहाँ के तमाम भारत की कंपनियों को ये लिखा, जो भारत के उद्योग हैं उनको लिखा, ये कहकर भारत की एम्बेसी की तरफ से मस्कट में कि वो एक आयोजन कर रहे हैं एक मेगा पब्लिक इवेंट का इंडियन कम्युनिटी के लिए फरवरी के दूसरे सप्ताह में, और उसकी जो तारीख है वो हम तुरंत बताएंगे, और आपके जो कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं ओमान के अंदर, वो एक बड़ा भाग हैं भारतीय कम्युनिटी का ओमान के अंदर, और उनको इसमें शामिल होना है। उस पत्र में ये भी कहा गया है कि आप अपने, हर कंपनी को नंबर दिया है, इतने कर्मचारियों को वहाँ पर लेकर आएँ, जिसमें से 80% ब्लू कॉलर वर्कर होना चाहिए। उसके साथ साथ एक फॉर्मेट भी उनको भेजा गया
और ये भी कहा गया कि इस जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को गुप्त रखा जाए, सिक्योर रखा जाए, किसी को बताया ना जाए, और आप इनके लिए ग्रुप ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम करें आने और जाने का, ये आपको दे दिया जाएगा। They have said that the Prime Minister, true to his characteristic style, continues to insult history and India's achievements since independence. He prefers to live in his make-believe world and in the past. He is using the same phrases, the same allegations, which he did more than 4 years ago when he started his campaign to capture power and to become the Prime Minister. It's almost 4 years. Our advice to Prime Minister is, learn to live in the present, give an account of the present, and think about the future of this country. In 2013 and 14, people of India have heard enough of that. And a substantial section was misled into believing him, that what he was saying was truth, and he is going to bring about a golden age of this country, a revolutionary transformation when it comes to economy, job creation, and also India's recognition as a major power of the world. He has singularly failed when it comes to delivering on his promises, which he never believed himself in, but people did. Instead of talking about the future, this is all what he has to say. He stands exposed because of his betrayal of promises, non-deliverance among the people of the country. And that's why now he is busy sending a message to the Indian electorate by organizing government-sponsored, government-supported events of the Indian community and giving an impression that the Prime Minister is so popular that all the Indians living outside are eager and they line up to cheer him. This is not a good sign at all. He, in Parliament, was reminded by us to come out of this mindset and not to forget that India already was recognized as a major power, as a nuclear power, as a space power, as a global leader in IT-enabled services before the world had heard the name of Shri Narendra Modi. Therefore, he should not berate his predecessors, previous governments, nor insult the great achievements of the Indian nation and the Indian people before he became the Prime Minister of the Indian Republic. His thinking, his mindset is authoritarian. This is undemocratic and it bodes ill for the country. I have said so I need not repeat that government's resources have throughout been misused in the past for organizing mega event shows, whether it was Madison Square or whether it was Wembley Stadium, where of course there was huge expenditure because that was more of a celebration and a cultural event or a festival that was organized. But even for the recent one, we created a platform through the government agencies and the Indian embassies to bring people the clear directive to the Indian companies to bring their workers, their employees, and insulting them by saying 80% should be the blue-collar workers. They have no option but to come and to cheer the Prime Minister. The government owes an explanation as to why they have
allowed the instruments and institutions of the state to be misused in such a manner for personal promotion of the persona of the Prime Minister and also for his propaganda, which is unbecoming of his office. We condemn what he has said and reject the falsehoods that he has hurled. So I have said what I had to say. There's a quick question or two I can take, otherwise I have to go, I have a meeting. देखिए ये बात बड़ी बेहूदी बात कही है. ये तो दोबारा कहीं 2004 की गिनती की बात में जाके आरएसएस के मुखिया ने क्या कहा है उससे दूर ले जा रहे हैं. कांग्रेस ने कभी भारत की सेना का राजनीतिकरण नहीं किया, ना उसमें हस्तक्षेप किया है. इस सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास रहा है, पर कल सीधा अपमान हुआ. ये कहना कि जो भारत की सेना वो 6-7 महीने लग जाएंगे करने में, वो 3 दिन में कर सकते हैं, उसके लिए इनको स्पष्टीकरण हम नहीं मांगते, माफ़ी मांगनी चाहिए. इस अपमान, मैंने कहा, तिरंगे का है और भारत की फौज का है. बिल्कुल, जो उन्होंने कहा है वही आप लोगों ने लिखा है, मेरी समझ नहीं है. इसका मतलब अब मीडिया ने भी गलत कहा है कि मीडिया का झगड़ा हो गया? नहीं, वो हम उसको नहीं मानते. हमको तो नीतीश, देखिए, मौका परस्त नेता हैं वो. उनको महागठबंधन की वजह से मुख्यमंत्री बने, और याद रखना चाहिए नीतीश कुमार को कि उन्होंने बिहार के हमारे लोगों का सिर मुंडवा के, नाखून कटवा के उनका डीएनए नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा. उन्होंने नीतीश कुमार जी को और महागठबंधन को वोट दे दिया, और नीतीश कुमार खुद पाला बदल के उधर भाग गए. नीतीश कुमार से और किसी गंभीर बयान की मैं उम्मीद नहीं रखता. मैं इस पर नहीं बोलूँगा, मैं असली विषय से नहीं हटूंगा. जो मैंने, मैं कुछ नहीं, हमारा जो मुख्य विषय था मैं उससे नहीं हटूंगा. दूसरे लोग टिप्पणी करेंगे, नहीं मैं नहीं करूंगा. देखिए, देखिए, किसी सेना के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, हमारे राजदूत, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, कि किसी भी अफसर को किसी भी और संगठन की बैठक में जाने की कानून ना संविधान अनुमति देता है. और अगर ये राजनीतिकरण इस तरह से हुआ तो ये भारत की स्थिरता के लिए और भारत के भविष्य के लिए बड़ी गंभीर चुनौती होगी. धन्यवाद.